Hello and welcome to this fourth part of chapter 1, and this is also the last part of chapter 1. So let's get started. So in this video we are going to cover law of exponents for real numbers. So basically hum deal karenge powers of number ke saath. So exponent means power. So for example, agar main kehta hu 5 raised to power 2, okay, if I say you 5 raised to power 2, it means मुझे 5 को दो बार ही मल्टीप्लाई करना है. और अगर मैं बोलता हूँ 5 raised to power 3, it means 5 को मुझे 3 times मल्टीप्लाई करना है. Okay, so any number raised to power 3 or 4, let's say n, तो इसका मतलब है मुझे a को n times मल्टीप्लाई करना है. ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है मुझे, n टाइम्स. ओके, सो a रेज़ टू पावर n मींस वेयर n इज कॉल्ड द पावर ऑफ a. ओके, सो a की पावर n का मतलब है कि a को हमें n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो ये हो गया पॉजिटिव पावर्स का मतलब. लेट्स टॉक अबाउट फ्रैक्शनल पावर्स नाउ. सो इफ आई से यू 5 रेज़ टू पावर 1/2, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि दिस नंबर इज इक्वल टू लेट्स से ए. ठीक है, सच दैट ए इंटू ए मस्ट बी इक्वल टू 5. ओके, इसको हम अदर टर्म्स में ये भी बोलते हैं, 5 1/2 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 5, राइट? So we know that square root of 5 into square root of 5 is equal to 5. So basically जो भी जिससे भी डिवाइड हो रही है पावर, ओके, तो जिससे भी पावर डिवाइड हो रही है उसको बेसिकली उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके वो नंबर आना चाहिए. सो अगर मैं बोलता हूँ 5 1/3, इसका मतलब है 5 को, इस नंबर को हम तीन बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आना चाहिए. इसको हम 5 रेस्ट पावर 1/3 को हम ये भी बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 5, विच मीन्स द सेम थिंग. वी नो दैट 5 इक्वल टू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, राइट? तो वैसे ही सिमिलरली कोई भी नंबर है a की पावर 1/n, इट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पहली बात तो, और इसका मतलब ये होता है कि a इक्वल टू a 1/n इंटू a 1/n इंटू इट गोज ऑन a 1/n, इसको हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई करा है. ओके, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पावर्स का मतलब. ओके, इसके बाद आती है हमारी जैसे नेगेटिव पावर्स. सो इफ आई से यू 5 रेज़ टू पावर -1, इसका क्या मतलब हुआ? तो नेगेटिव पावर्स का सिंपल मतलब होता है कि उस नंबर को रिवर्स कर दो. रिवर्स कर दो मतलब डिनोमिनेटर में ले जाओ. ओके, सो 5 रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू 5. 5 रेज़ टू पावर -2 इज इक्वल टू, सिंपल कुछ नहीं करना, उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, नेगेटिव हटा दो. 5 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू 1/5 रेज़ टू पावर 3. और अगर मेरा नंबर हो 3/4 इज इक्वल टू -7, तो बिकॉज नंबर हमने उल्टा देना, तो इसका मतलब हो जाएगा 4/3 की पावर 7. ये बेसिकली सेम उसी फंडा से ही आ रहा है कि अगर हम इसको उल्टा, सॉरी, कि अगर हम उसको उल्टा देते तो ये वापस 4 ऊपर ही जाना था, राइट? अल्टीमेटली यही हो जाना था ये. ठीक है, सो बेसिकली नेगेटिव पावर्स सिंपल मतलब होता है नंबर को रिवर्स कर दो. ठीक है, सो अगर मेरे पास है a रेज़ टू पावर -n, इट मीन्स, ठीक है, और a रेज़ टू पावर n, यू नो
जो हमने यहाँ पे सीखा था, विच इज दिस वन, राइट। नाउ कमिंग टू, हमारे नेगेटिव पावर्स भी फ्रैक्शन में हो सकती हैं, राइट। थिंक अबाउट इट, अगर मैं लिखूँ 5^-1/2, इट सिंपली मीन्स 1/5, 1/2। सो सेम पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए उसको रिवर्स कर दो नंबर को, ठीक है। 5^-2/3 = 1/5^2/3, एंड 5^2/3 आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली 5^(n) = 1/5^1/n, ठीक है। सो ये मतलब होता है पावर्स का, बेसिकली यू स्टार्ट विद पॉजिटिव पावर्स का मतलब होता है उतनी बारी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि उस नंबर को कितनी बारी मल्टीप्लाई करें ताकि वो ओरिजिनल नंबर बन जाए। सो फॉर एग्जांपल 5 को हम 5 1/2 का मतलब होता है 5 वन बाई टू को हम 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव पावर का मतलब होता है सिंपली रिवर्स इनवर्स ऑफ दैट, विच मीन्स 5 का -1 = 1/5, ठीक है। और नेगेटिव फ्रैक्शन पावर भी सिंपल है, सेम पावर पॉजिटिव हो जाती है वो डिनोमिनेटर में जाके, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, सो बेसिकली दीज आर द फ्यू लॉज और रूल्स और यू कैन से फॉर्मूलाज दैट वर्क विद पावर्स। सो पहला है a^m (a^n) = सो बेसिकली जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो रही हैं, समझ गए। जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो रही हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ 5^1 (5^1) = 5 1+1 = 5 का स्क्वायर, राइट। ये तो हमें पता ही है कि 5 × 5 = मतलब क्या होता है, 5 का स्क्वायर। वैसे ही सिंपली 5^2 (5^3) = 5^2+3, विच मीन्स 5^5। ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, a^(n) = (a^m)n, ठीक है। अब इसको लॉजिकली देखें तो इसका क्या मतलब हुआ, a^(m) का क्या मतलब होता, a को हम m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m टाइम्स, और a^(n) का क्या मतलब होता है, हम a को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n टाइम्स। और हम इन दोनों को नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे a^(m) × a^(n), तो उसका क्या आएगा, पहले तो a^(m) लिखते हैं, a^(m) क्या था हमारा, m टाइम्स a, राइट, इंटू a^(n), a^(n) क्या है हमारा, n टाइम्स a, राइट। तो हमारे टोटल कितनी बारी a मल्टीप्लाई हो रहा है टोटल m+n, राइट। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ओके। सो फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कैसे फॉर्मूला आ रहा है, ओके। सो सेकंड है, एंड लेट मी क्लियर दिस वन, सेकंड है हमारा a^(m) की पावर n इक्वल टू
एम एन। सो जब पावर के ऊपर पावर आ रही है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ओके, जब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, जब पावर के ऊपर पावर आती है तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है। सो इसका मतलब है, अगर मैं कहता हूँ 5 रेज टू पावर स्क्वायर 2 रेज टू पावर 2, इट मीन्स 5 की पावर 2 इंटू 2, विच इज़ 5 की पावर 4। और अगर मैं बोलता हूँ 5 की पावर 3, ओके, फाइव की पावर थ्री रेज टू पावर फोर, इसका मतलब होता है 5 की पावर 3 इंटू 4, विच मीन्स 5 की पावर 12। ओके, सो बेसिकली जब पावर के ऊपर पावर आ रही है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब सोचने की बात है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, मतलब क्यों फॉर्मूला ये होल्ड करता है। ओके, सो सोचो ए की पावर एम क्या होता है, ए की पावर एम क्या होता है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू कितने टाइम्स, एम टाइम्स, राइट। और ए की पावर एम की पावर एन का क्या मतलब है, इसका मतलब है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम कितने टाइम्स, ये कितने टाइम्स है, एन टाइम्स, राइट। सो हमें पता है कि हर ए की पावर एम में कितने ए हैं, एम ए हैं, राइट। इसमें एम ए है, इसमें भी एम ए है, इसमें भी एम ए है, तो इसको अगर मैं खोलूँगा तो ऐसा बन जाएगा ए इंटू ए इंटू ए एंड सो ऑन, ये है एम टाइम्स इंटू ए इंटू ए इंटू ए एंड सो ऑन, ये भी एम टाइम्स, ऐसे कितने ब्रैकेट्स होंगे मेरे पास, ए इंटू ए इंटू ए ये भी एम टाइम्स। सो ऐसे कितने ब्रैकेट्स होंगे मेरे पास, एन ब्रैकेट्स होंगे, राइट। तो टोटल मेरे पास ए कितने हो गए, टोटल मेरे पास ये हो जाएंगे एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम, और ये टोटल कितने एम होंगे, ये एन एम होंगे। सो ऊपर क्या हो जाएगा मेरा, एम इंटू एन, विच इज सेम एज ए, ओके, विच इज सेम एज ए एम एन, राइट। ठीक है, तो ऐसे आ रहा है फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन ऑफ पावर से ये फॉर्मूला निकल के आ सकता है। ठीक है, समझ आ गया, लेट्स मूव ऑन। ओके, सो दिस इज आर थर्ड फॉर्मूला, विच इज ए की पावर एम बाय ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। तो ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर एम को ऐसे लिख सकते हैं, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, ए की पावर एम इंटू वन वन बाय ए की पावर एन, राइट। नाउ वी नो कि जो रेसिप जो 1/a n है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस एन, राइट। ये हमने सीखा था ना अभी थोड़े टाइम पहले, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
और हमें पता है जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, अगर उनके बेस सेम है, जो कि सेम है यहाँ पे ए और ए हैं, तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। सो एम प्लस माइनस एन, सो इसका क्या मतलब हुआ, ए की पावर एम माइनस एन। ओके, सो सिंपली ये देखा जा सकता है। तो अगर इसको समझना है नंबर्स में, तो अगर मैं बोलूँ 5 की पावर 3 है, नीचे 5 की पावर 1 है, सो ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3 माइनस 1 विच इज़ 5 की पावर 2। ठीक है, और अगर ऊपर 5 की पावर 1 है, नीचे 5 की पावर 4 है, तब क्या आएगा, 5 की पावर 1 माइनस 4 विच इज़ 5 की पावर -3 विच इज़ 1/5 की पावर 3। ठीक है, क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ओके, नाउ द लास्ट फॉर्मूला हेयर इज कि ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। तो यहाँ पे बेस डिफरेंट है, ए और यहाँ पे बी है, बाकी अभी तक सब केस में ए ही था। ओके, यहाँ पे जैसे ए था, अब क्या है, दो अलग बेसिस की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम जो नीचे जो नंबर होता है उसको बेस बोलते हैं, और ऊपर वाले नंबर को पावर बोलते हैं। ओके, सो इसका मतलब है कि अगर मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 5, ओके आई कैन नॉट राइट दैट, द पावर हैज़ टू बी सेम। सो 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 की पावर 3। इसका मतलब सिंपल ही है। तो वैसे ही अगर 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 5, तो इसमें बेसिकली पावर सेम होनी चाहिए, तो हम उसको कंबाइन कर सकते हैं नंबर्स को और पावर कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, इसको समझना बड़ा इजी है, फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए को हम कितनी बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एम टाइम्स। इंटू बी इंटू बी इंटू बी कितनी बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी एम टाइम्स, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, एक ए को और एक बी को उठा लेता हूँ, हर एक बी को हर एक बी से कंबाइन कर देता हूँ, ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी, तो हर का जोड़ीदार है ना हमारे पास, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इसके साथ, वैसे ही सारे इक्वल नंबर ऑफ एयर बीज हैं, तो अल्टीमेट मेरे पास कितने कपल्स बन जाएंगे, एम बन जाएंगे। तो अभी ये मेरे पास कितने होंगे, ए इंटू बी कितने हो जाएंगे मेरे पास, एम टाइम्स। तो मुझे पता है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए इंटू बी की पावर एम, राइट? इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, विच इज़ सेम एज राइटिंग ए बी की पावर एम, राइट? सो ऐसे ये फॉर्मूला आ रहा है, तो उसको लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है, बेसिकली बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पावर का मतलब क्या होता है, बाकी सब ये फॉर्मूले उस अंडरस्टैंडिंग से निकल के आ सकती हैं। यू डोंट नीड टू प्रॉब्ली यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि ये फॉर्मूले आ कैसे रहे हैं, बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला इसका डेरिवेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, ओके, सो दिस वॉज इट, लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइजेस नाउ। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पेज 26 पे एक्सरसाइज 1.6 है, तो देर आर अ फ्यू क्वेश्चंस देयर, उसमें से हम थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट डू क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, उसमें हमें निकालना है 64 की पावर 1/3, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ओके, तो 64 की पावर 1/3 इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके 64 हो जाए,
राइट right? इसका मतलब है कि ये ऐसा नंबर जो 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करें और फिर हमारे पास 64 आ जाए, यही मतलब होता है ना फ्रैक्शन का, राइट। सो 2 × 2 × 2 क्या होता है, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, 3 × 3 × 3 क्या होता है 27 आता है, ओके 4 × 4 × 4 क्या होता है, ओ 64 होता है, ओ तो वी हैव 4 जिसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 64 आता है, तो मतलब 64 की पावर 1/3 इट मीन्स 4, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आर सेकंड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है 32 1/5 की। इसका क्या मतलब हुआ है, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और 32 आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट विथ 2। 2 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ओ ये तो 32 ही आ जाता है, तो विच मीन्स 32 की पावर 1/5 इज एक्चुअली 2, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, अगेन वैल्यूज निकालनी है। सो लेट्स टेक अप थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2, बाकी अपने आप कर लेना। थर्ड पार्ट क्या है, 16 3/4, ओके। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन भी है और ऊपर भी नंबर है, ओके। सो हमें पता है कि 16 3/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 एंड 16 की 3/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो इस नंबर को हम दो तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 16 की पावर 3 की पावर 1/4, जब पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो फिर पावर्स की पावर्स होती हैं, राइट। या फिर हम इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज इसको नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते थे, राइट, 1/4 × 3, राइट, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो कॉम्यूटेटिव होती है, हम आगे पीछे लिख सकते हैं, राइट। तो इन इस नंबर को हम इस दो तरीके से लिख सकते हैं, तो हम किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए, अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें 16 की पावर 3 निकालनी पड़ेगी, तो मतलब 16 × 16 × 16 निकालना पड़ेगा, और जब इतना बड़ा नंबर आ जाएगा हमारे पास हमें फिर बैठ के सोचना पड़ेगा कि कौन से नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करके ये आता है, राइट। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम पहले 16 को सोच लें कि कौन से नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करके 16 आता है, फिर उसका क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। तो पहले हम फ्रैक्शनल पावर से डील करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है। तो कौन से नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करके आ जाता है 16, 2 को, बिकॉज वी नो 2 × 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 16, राइट। सो 16 की पावर 1/4 की पावर 3, तो ये क्या हो गया हमारा 2 की पावर 3, तो ये आ गया हमारा आंसर 8, ठीक है। सो हमने पहले फ्रैक्शनल पावर से डील करा है, उसके बाद हमने उसकी पॉजिटिव पावर लगाई है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, विच सेज, सॉरी, पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, विच इज 125 रेज टू पावर माइनस 1/3। अब हमें पता है माइनस का क्या मतलब होता है, उसको रिवर्स करना होता है, राइट। सो 125 की पावर 1/3, 1/3 का मतलब क्या है कि ऐसा नंबर ढूंढो जो 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 125 हो जाए, तो कौन सा हो सकता है, 2 × 2 × 2 तो 8 होता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ 3, 3 × 3 × 3 27 होता है तो ये नहीं चलेगा, 4 × 4 × 4 64 होता है ये भी नहीं चलेगा, 5 × 5 × 5 125 होता है, ओके। सो 5 इज़ द नंबर जो इसके इक्वल होगा, क्योंकि 5 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है,
तो इसका आंसर है 1/5। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स। ओके, लेट्स नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 हियर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लेट्स लुक एट। 2 raised to power 2 by 3 multiplied by 2 raised to power, what is it? 1/5. ओके, सो हमें पता है जब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं और बेस यहाँ पे सेम है तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड। तो 2/3 + 1/5 = 2। इनका कॉमन डिनोमिनेटर 15 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। सो आंसर क्या आ गया हमारा? 2 13/15। ठीक है, व्हाट अबाउट सेकंड? सेकेंड का क्या है? 1/3 की पावर 3 की पावर 7, विच मीन्स 1 की पावर 7 बाय 3/3 की पावर 3 की पावर 7। तो 1 की पावर 7 तो 1 ही रहता है। अब यहाँ नीचे क्या है? पावर्स की पावर है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 3 × 7 विच मीन्स 3 की पावर 21। ठीक है, लेट्स नाउ लुक एट द फोर्थ वन एक्चुअली, विच से 7 की पावर 1/2 × 8 की पावर 1/2। ओके, तो यहाँ पावर्स कॉमन है तो हम पावर को कॉमन ले सकते हैं। पावर सेम है ना, यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 56 की पावर 1/2। ओके, सो दिस वाज इट। अगर कुछ डाउट है डेफिनेटली आस्क मी। अगेन फोकस शुड बी कि यू अंडरस्टैंड कि पावर्स का मतलब क्या होता है, देन अप्लाई दैट अंडरस्टैंडिंग। डोंट ओनली फोकस ऑन रिमेंबरिंग द फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज आपको याद रखने की कोशिश मत करो, उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।